नमस्कार, दिल्ली मेट्रो इन से आप लुचिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य। 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। जल्दी हाफ पेंट काली टोपी में दिखेंगे एकनाथ शिंदे। केबी हेडगेवार को श्रद्धांजलि देने पर संजय राउत का तंज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्मृति मंदिर रश्मिबाग में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार और एमएस गोवलकर को श्रद्धांजलि दी थी। गर्लफ्रेंड के सामने डांटने पर गुस्से में आया युवक, महिला डॉक्टर पर कैंची से किया जानलेवा हमला। इलेक्शन कमीशन की टीम करेगी त्रिपुरा का दौरा, चुनाव की तैयारियों का लेगी रिव्यू। इलेक्शन कमीशन टीम 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए 11 जनवरी से त्रिपुरा का 2 दिवसीय दौरा करेगी। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप से मौतों के मामले में CDSCO ने शुरू की जांच, दवा भारत में बनी थी दवा। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई। दोनों देशों की सरकारें इस मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल दवा का निर्माण बंद हो गया है। उज्बेकिस्तान में सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत पर भारतीय दवा कंपनी ने जताया अफसोस, कहा जांच रिपोर्ट का इंतजार। मनसुख मांडविया ने कहा कि दवा कंपनी के परिसर से कफ सिरप के नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए चंडीगढ़ स्थित रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजे गए। जिस ट्रक से घाटी आया था गोला बारूद, उसकी नंबर प्लेट निकली फर्जी, सीधा एनकाउंटर में खुलासा। चुनाव आयोग ने बनाया रिमोट वोटिंग सिस्टम, कहीं से भी डाल सकेंगे वोट। घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग की सुविधा शुरू करने जा रहा है। टीडीपी के कार्यक्रम में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या हुई 8, पीएम मोदी ने जताया दुख, मदद का ऐलान। बोधगया में दौरे के बीच दलाई लामा की जासूसी, पुलिस ने चीन की संदिग्ध महिला का स्केच किया जारी। बताया जा रहा है कि संदिग्ध महिला बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर बोधगया पहुंची है। स्केच जारी होने के बाद गया पुलिस काफी अलर्ट है और सघन तलाशी अभियान जारी है। एक्ट्रेस रिया कुमारी हत्याकांड में आया नया मोड़, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। रिया कुमारी की बुधवार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिया को उस समय गोली मारी गई जब वह अपने पति प्रकाश कुमार के साथ गाड़ी से ट्रेवल कर रही थी। भारत में कोरोना के लिए खतरे की घंटी, पिछले 24 घंटे में 268 नए मामले, देश में 3552 एक्टिव केस। नेल्लोर हादसे में चंद्रबाबू नायडू ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख की सहायता। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर स्वर्ण मंदिर पहुंची श्रद्धालु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई पुलिस ने रोकी बाइक तो हुई हैरानी, लाल रंग के बैग से निकली नोटों की गड्डियां। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 80 लाख की कीमत के 500 रुपए के 160 बंडल बरामद किए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक को गिरफ्तार किया, आगे की जांच जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 7 नए केस, कोविड टेस्ट को लेकर कांग्रेस एमएलए ने उठाए सवाल। गृह विभाग की खुफिया रिपोर्ट के बाद एमपी में खुला एनआईए का पहला थाना, भोपाल से पूरे प्रदेश में रखी जाएगी नजर। एक के बाद एक लगातार धमाकों से दहला यूक्रेन, रूस ने दागी 100 से ज्यादा मिसाइलें। रूस ने आज कथित तौर पर यूक्रेन पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं, राजधानी कीव समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई। दिल्ली मेट्रो इन से आप लुचिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़।